राजा दुष्यंत जैसे ही आश्रम की ओर प्रवेश करने लगते हैं, तभी उनको नेपथ्य से कुछ ध्वनि सुनाई देती है। इतः इतः सख्यौ, हे सखियों इधर आओ इधर आओ। राजा कर्णम दत्वा कान लगा करके उन ध्वनि की ओर सुनते हैं और कहते हैं, ऐ दक्षिणेन वृक्ष वाटिकाम आलाप एव श्रूयते। अरे ये दाहिनी ओर से वृक्ष वाटिका लता मंडप से कोई आलाप वार्तालाप जो है वो श्रूयते सुनाई दे रहा है। यावद अत्र गच्छामि तब मैं इधर ही जाता हूँ। परिक्रम में अवलोक्य चय घूम कर और देख कर, अये एताह तपस्वी कन्यका स्वप्रमाण अनुरूपैः सेचन घटैः बलिपादपेभ्यः पयोदातुम एवाभिवर्तन्ते। अये अरे आश्चर्य है, एताह तपस्वी कन्यका, ये तपस्वी कन्याएं स्वप्रमाण अनुरूपैः अपने सामर्थ्य के अनुरूप सेचन घटैः जल सींचने के घड़े को बलिपादपेभ्यः पयोदातुम छोटे छोटे वृक्षों में पय मन जल दातुम देने के देती हुई एवाभिवर्तन्ते इधर ही प्रवेश कर रही है। कि तपस्वी कन्याएं अपने अनुरूप जितना वे अपने सामर्थ्य के अनुरूप घड़े को उठा सकती है ऐसे बलिपादपेभ्यः छोटे छोटे वृक्षों को पयोदातुम वृक्ष देने जल देने के लिए इधर ही आती हुई दिखाई दे रही है। निपुणम निरूप्य अच्छी प्रकार से उन्हें देख करके और अहो मधुर आसाम दर्शनम, अरे आश्चर्य है, आसाम दर्शनम मधुरम, इनको देखना मेरा मन देख करके मेरा मन जो है माधुर्य को प्राप्त हो रहा है, मेरे मन में को अच्छा सा लग रहा है। तभी राजा उसी चीज का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, शुद्धांत दुर्लभ मिदम वपुः आश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरी कृता खलु गुणैः उद्यान लता वन लता भी ही। कि इदम शुद्धांत दुर्लभम, कि ऐसा दुर्लभ बहुत मुश्किल से प्राप्त होने वाला शुद्धांत बिल्कुल निर्मल स्वच्छ वपुहु शारीरिक सौंदर्य आश्रम वासिनः आश्रम में रहने वाले जनस्य यदि ऐसे मनुष्यों का हो सकता है तो खलु निश्चित ही गुणई ही वन लता भी वन की लताओं ने उद्यान लता उद्यान की लताओं को गुणई ही अपने गुणों के द्वारा दूरी कृता मानो तिरस्कृत कर दिया है। अर्थात राजा कह रहे हैं कि यदि अंतह कि राजा के अंतःपुर में भी ऐसा अत्यधिक सौंदर्य शरीर आश्रम वासियों के जैसा है तो अवश्य ही उपवन की लताओं ने वन लताओं के द्वारा अपने सौंदर्य सुकुमारता आदि गुणों से उनको भी तिरस्कृत कर दिया है। यहाँ पर वन लताओं की तुलना उद्यान की लताओं से की गई है। वन की लताएं जो किसी भी प्रकार से संवारित नहीं की जाती है सुसंस्कृत नहीं की जाती है फिर भी वे आज अपने सौंदर्य से उद्यान की लताओं को तिरस्कृत कर रही है। यावद इमाम छायाम आश्रित्य प्रतिपालयामि, तब मैं इस छाया का आश्रय लेकर के यहीं पर कुछ देर जो है वो प्रतीक्षा करता हूँ। और राजा विलोकयन स्थित है इस प्रकार से देखते हुए कुछ देर वहीं पर स्थित खड़े हो जाते हैं और वे वृक्षों की ओट में वहीं खड़े रहते हैं। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा सह सखीभ्याम शकुंतला, तभी यथोक्त व्यापारा जैसा राजा ने ऊपर कहा उस तरह के व्यापार अर्थात क्रियाकलाप को करते हुए सखीभ्याम सह अपनी सखियों के साथ शकुंतला प्रविशति, वहाँ पर शकुंतला प्रवेश करती है। शकुंतला इतह इतह सख्यौ, हे सखियों इधर आओ इधर आओ। अनुसूया हला शकुंतले त्वत्तोपि तात काश्यप आश्रम वृक्षका प्रियतरा इति तर्कयामि, त्वत्तोपि तुमसे भी तात काश्यप है महर्षि कण्व को आश्रम वृक्षका प्रिया आश्रम के वृक्ष प्रियतरा इति तर्कयामि, बहुत अधिक प्रिय है ऐसा मैं विचार करती हूँ। येन नव मालिका कुसुम पेलवा अपि, येन जिस कारण से नव मालिका के कुसुम पेलवा अपि फूलों को जल सींचने के कार्य में त्वम एतेषाम आलव पूर्णे और इनको आलव को जल से परिपूर्ण करने में नियुक्ता तुम्हें नियुक्त
कर दिया गया है। तो यहाँ पर परस्पर सखियों का आपस में हास्य विनोद चल रहा है और उसी का वर्णन दिखाया गया है। तब शकुंतला कहती है, न केवलम तात नियोगी थी, न केवल यह पिता कण्व का ही कार्य है, अस्ति मे सोदर स्नेहो अपि एतेषु, मेरा इनके साथ सोदर सहोदर के समान स्नेह है। इति वृक्ष सेचनम निरूपयति, ऐसा कह करके वह वृक्ष सींचने के कार्य में नियुक्त हो जाती है, अर्थात लीन हो जाती है। तब राजा कहते हैं, कथयम सा कण्व द्विता, कि क्या यह कण्व की पुत्री है? असाधु खलु दर्शी, असाधु दर्शी खलु तत्र भवान काश्यप, यह इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ते, कि इयम सा कण्व द्विता, क्या यह महर्षि कण्व की पुत्री है? असाधु दर्शी, निश्चित रूप से खलु वह तत्र भवान काश्यप है, माननीय महर्षि कण्व जो है असाधु दर्शी, असज्जन दिखाई दे रहे हैं, यह जिन्होंने इमाम आश्रम धर्मे इस जैसी शकुंतला को, जो कोमलांगी है, उसको आश्रम के कार्य में नियुक्त किया है। इदम किल व्याज मनोहरम वपुहु तपह क्षमम साधितुम ये इच्छति, ध्रुवम स नीलोत्पल पत्र धारया शमील्यता छेत्तुम ऋषिर व्यवस्यति, कि इदम, अब राजा जब शकुंतला को देखते हैं तो उसके सौंदर्य को देख करके, जो कोमलांगी है, उसके सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, किल मन निश्चित ही, ऐसा व्याज मनोहरम, जो बिल्कुल निर्मल मनोहर, मन को अच्छा लगने वाला वपुहु, जिसका शरीर है, उसको यह मन वह महर्षि कण्व तपः क्षमम साधितुम इच्छति, तपस्या के योग्य साधितुम सिद्ध करने की इच्छा रखता है, जिस सोमल कोमल अंग वाले की, ऐसे वपु मन शरीर को जो बिल्कुल तपस्या के योग्य बनाने की इच्छा रख रहे हैं। ध्रुवम स निश्चित ही वह नीलोत्पल पत्र धारया, नील कमल के पत्ते की धार से शमीलताम छेत्तुम, शमीलता को काटने का व्यवस्यति, यत्न कर रहा है, कि वह ऋषि निश्चित ही नील कमल के पत्ते से, के अग्रभाग से शमीलता के वृक्ष को काटने का यत्न कर रहा है। नव मालिका कुसुम पेलवा भी शकुंतला को पौधों से जल देती हुई देख करके महर्षि कण्व की इस अदूरदर्शिता को लक्ष्य कर राजा मन ही मन कहते हैं कि जो ऋषि स्वभावतः मनोहर शकुंतला के सौंदर्य को जैसे कठोर कार्य में योग्य बनाना चाह रहे हैं, निश्चय ही ऋषि का यह कार्य वैसा ही अनोखा असंभाव्य है जैसे नील कमल के पत्ते के किनारे से शमी लता जैसे कठोर वृक्ष की शाखा को काटने का प्रयत्न किया जा रहा हो। यहाँ प्रस्तुत श्लोक में असंबद्ध रूप से निदर्शनालंकार का प्रयोग जो है वो किया गया है। इति